So I am totally watching it, and I love him. Yes, me too. But I want him to win. Kundra, you better get the trophy home. I'm supporting Kundra. I'm also supporting Kundra with my heart. क्या पता मैं और लवीना साथ में आ जाए, फाड़ देंगे. बर्तन भेजूंगी लोगों पे. Hi guys, this is Palak Purswani and this is Lavina Tandon. You guys are watching us on FIFA Foos. Lavina and Palak, welcome to FIFA Foos. Thank you so much for having us. और जिस तरीके से आप दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग भी साफ नजर आ रही है. रूममेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली देखा जाए तो रूममेट्स एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते, पर धीरे 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 वो बॉन्डिंग बनती है और धीरे धीरे उनकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब सामने आने लगती हैं, जो कि हमारे जो यूजुअल फ्रेंड्स होते हैं उनकी नहीं आती. राइट. तो क्या कहना चाहेंगी, ये किस नए तरीके से रूममेट्स? वेल ऑनेस्टली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रही हूँ 6 महीना. आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ अंडर द सेम रूफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ व्हाट वी सी विद आवर फ्रेंड्स आउटसाइड द हाउस. तो वो बहुत ही मेरे धमाकेदार एक्सपीरियंस था. तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करती कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कभी मत शिफ्ट होना, क्योंकि सच में असलियत बाहर आ जाती है सबकी. बट ये कहानी ऐसी है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मसाला, इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्रिस्प इन इट, बिकॉज हम दोनों बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से. राइट. और हम जो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे भी हम दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं इन रियल लाइफ. हाँ, मतलब मुझे डम दिखा, इमेजिन मुझे डम दिखाया है और मुझे इतना कनिंग. हाँ, इसको बिची दिखाया है. सो नो, वी आर नॉट लाइक, या वी आर नॉट लाइक दैट गर्ल्स मैन. एंड यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट. लाइक आई हैव नेवर हैड अ रूममेट, बट फॉर अ मंथ और सो माई फ्रेंड वॉज लिविंग विथ मी. सो आई अग्री विथ हर टोटली कि दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, जब वो बहुत यू नो इट्स व्हेन इट्स राइट ऑन योर फेस तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एग्जैक्टली. आप दोनों से जाना चाहूँ, जैसे पहली बार आप साथ आए हैं काम के लिए, पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, लेकिन आप कितना और जानने लगे हो? आई थिंक दिस प्रोजेक्ट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज हम ऑब्वियसली आई मीन सब एवरी वन फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वी मेट बिफोर वर्क वाइज एंड ऑल. हम दोनों जानते ही थे एक दूसरे को, वी यूज टू बम्प इन टू ईच अदर लॉट ऑफ ऑडिशंस और कॉमन फ्रेंड्स एवरीथिंग. बट या आई थिंक इसके बाद हमारी बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है. आई मीन आई पर्सनली काउंट हर एज वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नाउ, एंड आई होप लाइक आई एम वेटिंग फॉर मोर एक्साइटमेंट विथ लवीना, टू चिल विथ हर, टू ट्रैवल विथ हर, ऑल दैट इज कमिंग सून. या बट दिस प्रोजेक्ट आई गिव द कम्प्लीट क्रेडिट्स टू. एब्सोल्युटली. सो हम लोग भाई हमें कभी like we always crossed each other's path but we never chilled and kaun kehta hai do ladkiyan friends nahi ho sakti hai. Bilkul nahi, mai to bahut ladkiyan hi dost hai meri majorly. The first thing I came to her and I said pata hai yaar meri na zyada ladkiyan dost nahi banti, pata nahi kyun mamla sare ladke hi dost hote mere. Main mamla dekho na mujhe bhi le lo apne group mein. I actually said that to her. But nahi, bahut it's a very good vibe around her always. Roommates ki agar baat ki jaye to real life mein और डेफिनेटली आप लोगों ने भी यही दिखाया होगा कि जिस तरीके से हर चीज़ शेयरिंग होती है, काम को लेके, बिल्स को लेके, हर चीज़ शेयर होता है. लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में रूममेट्स को शेयर करनी चाहिए, जो उनकी बॉन्डिंग या फिर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहना एक ईजी गोइंग हो जाए? आई थिंक हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो सब शेयर करते ही हैं, चाहे वो खाना हो या कपड़े भी हो, या हम सब लड़कियाँ करते हैं. डजंट रियली बॉदर्स अस दैट मच. बट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ दैट जब हम अपनी फैमिली को छोड़ के अकेले बॉम्बे शिफ्ट होते हैं, यू नीड दैट इमोशनल सपोर्ट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कंपैटिबिलिटी, दैट इमोशनल सपोर्ट. बिकॉज मैं जब अपनी एक फ्रेंड के साथ रह रही थी एंड हमारे शूटिंग आवर्स इतने अपसर्ड होते हैं, कभी मैं 2 बजे आती थी, 3 बजे आती थी, बट शी यूज़ टू वेट फॉर मी टिल द टाइम आई वुडन ईट, बिकॉज आई एम समबडी हू कांट ईट अलोन. सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मोर देन एनीथिंग एल्स फॉर मी. सो या हाँ, एंड इवेंचुअली आई थिंक यू बिकम अ फैमिली, यू नो, लाइक व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम. जैसे मैंने ये कभी नहीं एक्सपीरियंस किया बिकॉज मैं बॉम्बे से ही हूँ, मेरे पेरेंट्स साथ में ही रहते हैं. पर जब मैं शूट के लिए जाती हूँ तो कैसे हमारे शूट वाले एक हमारी फैमिली जैसे बन जाते हैं. सो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जो आप चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है वो मतलब मुझे उसमें भी कभी कभी ऐसा लगता है मतलब प्लीज़ यार मत करना, बिकॉज आई हैव बीन अ सिंगल चाइल्ड. सो आई रियली डिडंट लर्न टू शेयर, यू नो, लाइक मैं अभी खाना भी मैंने बहुत रिसेंटली शेयर करना एक्चुअली सीखा है, वरना मुझे नहीं अच्छा लगता था. बट या इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, शॉर्ट फिल्म की अगर बात की जाए, हम डेली सोप जो करते हैं, वेब सीरीज ले लीजिए, आपको एक टाइम मिलता है, पर जब आप एक शॉर्ट फिल्म करते हो तो आपको कम समय में लोगों को
You have to put your message across, basically. Yeah. आई थिंक आपका इस चीज़ में आपका कॉन्टेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आपका कॉन्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ ऑन पॉइंट है, तो फिर यू नो फॉर अस इट बिकम्स वेरी इजी, इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक, है ना. एंड ऑल्सो वेन यू नो पीपल हु यू वर्किंग विथ, तो भी बहुत आसानी हो जाती है. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. आई थिंक दैट कम्फर्ट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सेट. एंड जैसे कि हमने कहा, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो वो एक केमिस्ट्री बिल्ड करना, कम्फर्ट लेवल बिल्ड करना, एवरीथिंग टेक्स टाइम. टेलीविजन में वैन वी आर वर्किंग, हमें एक हफ्ता तो कम से कम चाहिए टू हैव दैट कम्फर्ट लेवल. जब हम बैठ के खाते हैं सारे एक्टर्स के साथ, तब जाके हमारा वो कैरेक्टर, तब स्पार्क आता है. तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हम दोनों का यही था कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो वो कंफर्ट लेवल था ही. मतलब अगर ये कुछ मुझे अच्छा बुरा बोल भी रही है ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बिकॉज हम फ्रेंड्स हैं. करेक्ट. सो वो एक बहुत मैटर करता है, वरना हाफ द टाइम पीपल आर वेरी जजी एंड दे लाइक व्हाई शी टॉकिंग टू मी लाइक दैट, व्हाई इज ही सेइंग दीस थिंग्स, यू नो. आई एग्री. या दैट हैपेंस. सो या, चलिए एक दूसरे के बारे में तीन अच्छी बातें और बुरी बातें. जो अरे बाप रे, इतना, मैं तो बुरी बातें तो पता नहीं, बिकॉज मैंने इतना समय स्पेंड, सही बताऊं तो ऐसे नहीं किया कि बुरी बातें. वो अब हम जब हाँ वो जब हम ट्रैवल करेंगे साथ में और जब बहुत टाइम स्पेंड करेंगे. अभी मैम बहुत बिजी है ना. अभी मैम बहुत बिजी है. ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें सच में एक ट्रिप साथ में लेनी है, तब जाके पता चलेगा. आई थिंक अच्छी बातें, अच्छी बातें तो कर ही सकते हैं हम. बुरी, बुरी का अभी तक आई थिंक हमको मिला नहीं है फिगर करने के लिए. हाँ, क्या है मैं बिल्कुल कर रही हूँ, बिकॉज मेरा फ्रेंड करण कुंद्रा इज इन द शो, सो आई एम टोटली वॉचिंग इट एंड आई लव हिम. यस, मी टू. बट तेजा इज देयर. मुझे लगता था करण इनिशियली बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे इंडिविजुअली, उसे किसी की जरूरत नहीं है शो में. एंड आई नो हिम पर्सनली, जब यू नो आई वॉज डूइंग दिल्ली तो विथ हिम, तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय. वो हम सबको हंसाते थे सेट पे, ही यूज टू बी द चार्मर. तो उसे किसी की जरूरत नहीं है टू एंटरटेन हिज ऑडियंस. बट आई वुडंट से उनकी केमिस्ट्री, ही इज नॉट डूइंग दिस फॉर द शो बिकॉज ही डजंट नीड्स इट, दैट इज फॉर श्योर. बट मुझे लगता है कि वो पहले बेटर खेल रहे थे. आई थिंक यस, मेरा भी यही है. मतलब मी एंड माई फ्रेंड पी सी, तो हम लोग देखते हैं, यूज टू लिटरली बी लाइक करण कुंद्रा यार सो क्यूट, इज सो क्यूट एंड ही इज जेन्युइनली वेरी क्यूट. बट ही इज नेवर बीन सिंगल, वन 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 आफ्टर वन, लाइक वट एवर. बट फिर आई वट एवर हैपेंड इन द शो एंड देन आई वॉज लाइक नहीं यार. सो आई रियली हैड होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, बट देन ठीक है. I really hope he still wins it. I want him to win. Kundra, you better get the trophy home and you're totally deserving and we are rooting for you. Woo! Yes, but I think I would want Nishant or Prateek to win. Okay. Well, I don't know them, yeah. But I think their game is much better. Kundra is really nice, but I think their game is... I'm supporting Kundra. I'm also supporting Kundra with my heart, but with my mind, I'm supporting Pradeep or and yeah. Nishant. Fair enough. So, दोनों में से कोई भी जीते तो. All right. आपने बोला यू नो about Tejasvi, social media पे देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि Tejasvi के वजह से करेंगे आपका लाइफ में कुछ लोग करेंगे. नहीं. Kundra, like I said, he doesn't need anybody. I think Teja नहीं भी होती शो में, I'm sure वो survive करते, sustain करते. शायद उनकी गेम अलग होती. सालों से इंडस्ट्री में है और बहुत अच्छा, वो उनको कभी कोई किसी की जरूरत नहीं. हाँ, आई अग्री. प्लस ही इज अ वेरी, हाँ, एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन इन रियल लाइफ आल्सो, लाइक आई सेड. सो ही इज व्हाट ही इज इन द शो एज वेल, सो आई डोंट थिंक सो दैट वुड हैव मेड एनी डिफरेंस. दोनों के रिश्ते तो मंजूरी भी मिल गई है फैमिलीज की तरफ से. वो तो देखेंगे जब बाहर आते हैं, विच इज गुड, गुड फॉर देम डेफिनेटली. बट जब बाहर आएंगे देन लेट्स सी, देन आई वुड लाइक. एक और अच्छा लड़का गया, कोई बात नहीं. आई हैव बिन ट्राइंग फॉर दैट शो सिंस पास्ट 4 years नाउ, बट कुछ ना कुछ होता था. आई मीन लास्ट टू लास्ट व्हेन आई ट्राइड आई वाज डूइंग नच बलिए, तब तो कुछ ना कुछ डेट्स क्लैश हो जाती थी. या लास्ट ईयर मुझे और अविनाश को चाहते थे ये लोग साथ में, दिस सीजन इट्सेल्फ, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट. दे वॉन्टेड अस टुगेदर एज अ कपल इन द शो, सो काफ़ी बातें और चर्चे चल रही थी इस साल, बट या देन
Ruhaniyat is Endemol's show only, so I had already signed up with Ruhaniyat, so then that didn't work out. But hopefully next year, kya pata, main aur Lavina saath mein aa jaye, phaad denge, bartan bhegungi logon pe. So yeah, the makers, if you all are watching it, keep us in mind next season. Oh God, really? But yeah, we'll kill it. अलग ही धमाका होगा फिर तो अंदर. Yes. यही कि हमारी शॉर्ट फिल्म रिलीज हो चुकी है, सो प्लीज उसे डेफिनेटली देखिएगा, बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा हमें. यस यस यस, थैंक यू सो मच मेड इन इंडिया पिक्चर्स एंड स्काई 247 फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड. एंड गाइज वॉच इट, देयर इज अ लॉट ऑफ मसाला, देयर इज अ लॉट ऑफ फन एलिमेंट, नोक जोक भी है, सो गो एंड वॉच इट एंड लेट अस नो, डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड लेट अस नो हाउ यू फाइंड द फिल्म. लवीना टंडन, पलक पुरस्वानी, लेट अस नो हाउ यू लाइक इट. Thank you.